92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी शिकायत, बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह का पूरा नाश्ता न कभी अंशुमन किया करता था, न उसकी 4 साल की बेटी पिंकी। बेटी पूरे बाप पे ही गई है, एकदम हाजिर जवाब। ओट्स अच्छे नहीं लगते, आलू के पराठे कच्चे हैं, रोज रोज एक जैसा नाश्ता नहीं करेंगे। पर कविता डांट के अंशुमन को मौसम्बी का जूस और पिंकी को ग्लास भर दूध बिना पिए घर से निकलने नहीं देती थी। कविता थी तो पिंकी की मम्मी, पर जरूरत पड़ने पे अपने पति अंशुमन को भी एक बच्चे जैसे ही डांटती थी। रोज की तरह सुबह ऑफिस जाते वक्त अंशुमन ने अपनी बेटी पिंकी को बाय बेटा कह के किस किया। पिंकी ने भी दूध के ग्लास को रख के बाय पापा कहा और पापा के दोनों गाल पे बारी बारी से किस किया। दूध से अंशुमन के गालों पे सफेद दाग लग गए। टिफिन का डब्बा अंशुमन को पकड़ाते हुए कविता अपने आंचल से अंशुमन के गालों पे लगे दाग को पोंछने लगी तो अंशुमन ने मुस्कुरा के कहा, मुझे लगा तुम भी पिंकी की तरह मुझको बाय कहने वाली हो, वैसे तुम कह भी सकती हो, आई डोंट माइंड। अच्छा ये लो बाय। कविता हल्के हाथों से अंशुमन के गालों पे एक चपत लगा के मुस्कुराते हुए बोली, जाओ ना, अब लेट हो जाओगे। हाउ बोरिंग, अंशुमन बोला। अच्छा सुनो, मैं आज ऑफिस टैक्सी लेके जा रहा हूँ, तुम कार लेके 12 बजे स्टेशन चली जाना। संजीव आंटी के इलाज के लिए आज ही तो आने वाला है। हाँ याद है, पर अंशुमन वो लोग तो होटल में भी रह सकते थे, यहाँ पिंकी की पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होगा। ओ कम ऑन कविता, डोंट बी सो सेल्फिश। संजीव हम दोनों का अच्छा दोस्त है, इतने सालों में पहली बार कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहा है, वो भी अपनी माँ के इलाज के लिए, और हम उसको होटल ले जाएं। और तुम्हारी बेटी कोई डॉक्टरी या इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रही, पिंकी भी नर्सरी में है। अंशुमन की बातों को अब काटना मुमकिन ना देख कविता बोली, ठीक है चली जाऊंगी, पर तुम शाम को जल्दी आना। अंशुमन के ऑफिस जाने से कुछ देर बाद पिंकी की स्कूल वैन भी हॉर्न बजाती हुई आ गई। अंशुमन और पिंकी के जाते ही दौड़ता भागता सा कविता का घर एकदम शांत पड़ गया। बस टीवी पर कार्टून चैनल चल रहा था जिसको पिंकी हर रोज स्कूल जाते वक्त तक देखती है। कविता टीवी बंद करके नाश्ते की प्लेट्स को टेबल से उठाने लगी। अंशुमन की प्लेट से एक सैंडविच मुंह में लेके वो सोचने लगी, क्या वो सही में खुद गर्ज हो गई है? पर हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार तो आते ही रहते हैं, और किसी के सत्कार में वो कभी कोई कमी नहीं छोड़ती है। फिर इस बार ऐसी क्या बात थी जो उसको परेशान कर रही थी? शायद इतने सालों बाद मिलने की हिचकिचाहट थी, या फिर शायद मन के किसी कोने में दबी एक शिकायत, या फिर दोनों। हाँ शायद दोनों। कॉलेज के दिनों में कविता पहली बार जिस लड़के पे अपना दिल हारी थी वो अंशुमन नहीं था, वो अंशुमन का दोस्त संजीव था, वो संजीव जो आज कविता के घर आ रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। संजीव और आंटी को रिसीव करने कविता वक्त से स्टेशन पहुंच गई थी, पर संजीव की ट्रेन के आने में थोड़ा वक्त था। अभी प्लेटफॉर्म पे कुछ मिनट बिताना भी घंटों जैसा लगता है। वक्त प्लेटफॉर्म पे अपनी चाल शायद सबसे धीमा कर लेता है, वक्त आगे बढ़ता ही नहीं। और कविता को तो वक्त जैसे हाथ पकड़ के पीछे ले जा रहा था, सालों पीछे, मुंबई की इस भीड़ और गर्मी से दूर, याद शहर की ठंड और कोहरे में लिपटी सुबह में, जहां रोज सुबह 7 बजे कॉलेज जाने के लिए कविता पॉलिटेक्निक मोड़ के बस स्टॉप पे बस नंबर 42 का इंतजार किया करती थी। दिसंबर की सुबह की ठंडी हवाओं से हथेलियां जमने लगती तो उंगलियों को मोड़ के मुट्ठी बना के वो उसमें फूंक मारती, फिर अपने फुल स्वेटर की बाहों को खींच के हथेलियों को उसमें घुसा लेती। ऐसी ही एक सर्द सुबह बस स्टॉप पे किसी ने पीछे से पूछा था, चाय पियेंगे आप? काले जैकेट और बैंगनी लिहाफ में ये वही लड़का था जो रोज उसी स्टॉप पे बस नंबर 42 पकड़ के कॉलेज जाता था। कविता रोज उस लड़के को बस स्टॉप पे देखती थी, पर अब तक उन दोनों में बातें कभी नहीं हुई थी। छोटे से यार्ड शहर में तब छोटी सी हाय हेलो भी उतनी छोटी बात नहीं थी। चाय का प्रस्ताव सुनते ही कविता के सजग दिमाग ने तो जी नहीं कहना चाहा था, पर न जाने क्यों उसने हां में अपनी गर्दन हिला दी थी। चाय के कुल्हड़ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच आगे पीछे घुमाते हुए उस लड़के ने कहा था, मैं भी आप ही के कॉलेज में पढ़ता हूं, BSc सेकेंड ईयर। कविता बिना उसकी तरफ देखे गर्म चाय में फूंक मारते हुए बोली थी, पता है मुझे।
संजीव मेरा नाम, ये शायद आपको पता नहीं होगा। संजीव की इस बात पे कविता मुस्कुरा के बोली थी, कविता मेरा नाम, शायद आप ये जानना चाह रहे होंगे। कविता को भी बाद में खुद पे हैरानी हुई थी जिस तरह से उसने बिना हिचके उस लड़के से बात की थी। उसको ऐसा लगा ही नहीं जैसे वो दोनों पहली बार एक दूसरे से बातें कर रहे हों। उसको तो ऐसा लगा था जैसे कई सालों के बाद वो लोग फिर से बातें कर रहे हों। अजनबीपन का एहसास तो गर्म चाय के कुल्हड़ से उठते हल्के धुएं के साथ ही जैसे कहीं आबो हवा में गायब हो गया था। उस दिन के बाद से कविता को उस बस स्टॉप पे 42 नंबर बस के इंतजार में कभी भी बोरियत नहीं हुई। वहां खड़े होकर इंतजार करना तो अब उसको सबसे अच्छा काम लगने लगा था। प्लेटफॉर्म के अंदर आते ही ट्रेन ने एक जोर की कान फाड़ू सीटी बजाई। बेंच पे चाय का कप लिए कविता चौंक पड़ी, चाय उछल के उसके हाथों में आ गई। कविता रुमाल से अपने हाथ पोंछ के खड़ी हुई और ट्रेन के डब्बों से उतरते लोगों को ध्यान से देखने लगी। प्लेटफॉर्म पे भीड़ काफी बढ़ गई थी, एक जगह खड़े रहना मुश्किल हो रहा था, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। तभी भीड़ में से वही पुरानी एक आवाज कानों में आई, कविता। कविता मुड़ी तो सामने जो शख्स खड़ा था उसकी आवाज तो बस स्टॉप पे खड़े उस लड़के के जैसी ही थी, पर चेहरा अब काफी बदल चुका था। शायद अकेले कभी वो लोग कहीं मिल जाते तो कविता उसको पहचान भी नहीं पाती। बगल में खड़ी आंटी भी कितनी दुबली हो गई थी, जैसे हड्डियों के ऊपर सिर्फ चमड़ी चढ़ी थी, पर मोटे चश्मे के पीछे आंखों में अपनापन उतना ही मोटा और ताजा था। आंटी के पैर छुए तो आंटी गले से लगा के उसको वैसे ही आशीर्वाद देने लगी जैसे हर बार संजीव के घराने पे दिया करती थी। आंटी के गले लगते ही कविता के अंदर की सारी हिचकिचाहट कहीं दूर चली गई। कविता ने मुस्कुरा के एक पुराने दोस्त की तरह पूछा, कैसे हो संजीव? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। खाने की मेज पे सालों बाद दो बचपन के यार फिर से मिले थे। अंशुमन संजीव के साथ बिताई बचपन की छोटी छोटी बातों को याद करके कविता को सुनाता और जोर जोर से हंसता। कविता कभी अंशुमन की बातों पे मुस्कुराती तो कभी उन दोनों से सब्जी और कभी चपाती के लिए पूछती। पानी लाने के लिए कविता रसोई में गई तो वहां तक अंशुमन की बातें और हंसी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंशुमन हमेशा से ऐसा ही था, जिंदा दिल, खुल के जीना, खुल के हंसना अंशुमन का नेचर था। कॉलेज में भी अंशुमन को सभी इस बात के लिए काफी पसंद करते थे। पहली बार जब कॉलेज कैंटीन में संजीव ने अपने दोस्त अंशुमन से कविता का परिचय करवाया तो अंशुमन का ये साफ दिल, खुलापन कविता को भी पसंद आया था। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कविता, तुम पानी फ्रिज से ला रही हो या कुआं खोद रही हो? अंशुमन ने मजाक के लहजे में पूछा। आ रही हूं। कविता रसोई से पानी के साथ डेजर्ट के लिए पुडिंग लेके आई। अंशुमन को पुडिंग बेहद पसंद है। पुडिंग देखते ही अंशुमन खुशी से बोला, वाह, पता है संजीव, आई एम द लकीस्ट पर्सन। इसमें कोई शक नहीं है यार, संजीव ने मुस्कुरा के कहा। कविता और संजीव की नजरें एक पल के लिए मिली पर अगले ही पल दोनों ने नजरें फेर ली। 42 नंबर बस पे बैठ के एक साथ कॉलेज जाते हुए संजीव अक्सर कविता का आधा टिफिन खा लिया करता था, और जिस दिन कविता गलती से पुडिंग लेके आती थी उस दिन पूरा का पूरा टिफिन संजीव चट कर जाता था। भुक्खड़ हो तुम, सभी के लिए लाई थी, तुमने पूरा खा लिया। कविता की इस बात पे संजीव हंसते हुए कहता, अब मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं तुमसे मिलता हूं, आई एम द लकीस्ट पर्सन। वो क्या सोच रहा है, पुडिंग खा? अंशुमन ने कहा। नहीं यार सॉरी, मुझे डॉक्टर ने मीठा मना किया है। अरे कुछ नहीं होता, इन डॉक्टरों की बातों को इतनी सीरियसली नहीं लेते, खा ले कुछ नहीं होगा। अंशुमन के बार बार कहने पे कविता बोली, फोर्स मत करो अंशुमन, ओके तू नहीं खाता तो मैं खा लेता हूं। अंशुमन ने जैसे और पुडिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाया कविता ने उसको रोक दिया, तुम तो बहुत खा चुके, बिल्कुल नहीं, ऐसे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता जा रहा है। ओफो, पता है संजीव, अच्छा कि तूने शादी नहीं की, कम से कम जो मन करे वो खा तो सकता है और जितना मन करे उतना खा सकता है, यहां तो हर बात पे मैडम से परमिशन लेनी पड़ती है। अंशुमन की बात पे संजीव हंसने लगा। अच्छा सुन, कल सुबह मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा पर कविता तुम लोगों को गाड़ी से हॉस्पिटल छोड़ देगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा, संजीव ने कहा। अरे डर मत, कविता इतनी बुरी ड्राइवर भी नहीं है, बस अब तक सिर्फ दो बार ही हेडलाइट तोड़ी है। अंशुमन को हर बात पे मजाक करने की आदत थी।
रात को जब कविता रसोई के सारे काम निपटा के अपने कमरे में गई तो अंशुमन बिस्तर पे लेट के किताब पढ़ते पढ़ते सो चुका था। कविता ने आहिस्ते से अंशुमन की आंखों से चश्मा निकाला, सीने से किताब को हटा के बगल की टेबल पे रखा और फिर हाथों से अंशुमन की ठुड्डी को दबा के उसका मुंह बंद कर दिया। अंशुमन का मुंह अक्सर सोते हुए खुला रहता था और कविता को उसका मुंह धीरे से बंद करना उतना ही अच्छा लगता था। अंशुमन हमेशा ही एक अच्छा पति साबित हुआ था, पर आज कविता की नजरों में उसके पति की इंसानियत का कद और ऊंचा हो गया था। अचानक कविता को आज सुबह अंशुमन के ऑफिस निकलते वक्त का बाएं वाला वाक्य याद आ गया। उसने हल्के से अंशुमन के गाल पे सुबह का बकाया किस देके मुस्कुरा के मन ही मन कहा, आई एम द लकीस्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। संजीव अपनी माँ को पहले भी कई सारे डॉक्टरों को दिखला चुका था, कई सारे टेस्ट करवा चुका था, पर फायदा कहीं से नहीं हुआ था। इस बार मुंबई के बड़े अस्पताल में जब डॉक्टरों ने देखा तो फिर से कई सारे नए टेस्ट लिख दिए। इनमें से कुछ महंगे थे और बाकी काफी महंगे। डॉक्टरों ने इतना कहा था कि पेट की छोटी आंत में प्रॉब्लम है, पर कितना ये सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाने पर ही पता चलेगा। जहां सभी ने सोचा था कि हफ्ते भर में सब हो जाएगा, वहां तो टेस्ट करवाने में ही कई दिन लगने वाले थे। रोज सुबह कविता अंशुमन को ऑफिस और पिंकी को तैयार करके स्कूल भेजती, फिर संजीव के साथ आंटी को हॉस्पिटल टेस्ट करवाने ले जाती। जब तक घर वापस आती, पिंकी स्कूल से वापस आके भूख से बिलख रही होती। उस दिन सुबह अस्पताल में जब एंडोस्कोपी करने के लिए आंटी को अंदर ले जाया गया तो बाहर कुर्सियों पर कुछ देर खामोश बैठे रहने के बाद संजीव ने कविता से कहा, हमारी वजह से तुमको कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है ना आंटी, मेरी भी माँ जैसी हैं, तो बस जल्दी से ठीक हो जाए, फिर तुम भी शादी कर लो और अपना परिवार बसाओ। कविता के इतना कहते ही संजीव वहां से उठ के चाय पीने के बहाने बाहर चला आया। संजीव की माँ कविता को अपनी बेटी जैसा ही मानती थी। कविता अक्सर संजीव के घर आया करती थी, आंटी से कई तरह के देसी पकवान बनाना सीखती थी और कभी कभी आंटी को अपनी नई कुकिंग क्लास में सिखाई गई रेसिपीज में से कॉन्टिनेंटल तो कभी चाइनीज बनाना सिखाती थी। कभी कभी कुछ पकवान अच्छे बन जाते थे और कभी कभी कुछ बनते बनते रह जाते थे। संजीव कई बार अपनी माँ को बेकार के ख्वाब देखने से मना करता था, पर संजीव की माँ संजीव की गैरहाजिरी में कई बार बातों बातों में कविता को अपने घर की बहू बनाने की दिल की मंशा जाहिर कर चुकी थी। कविता हर बार हंस के आंटी से कहती, मैं शादीवादी के चक्करों में नहीं पड़ने वाली और आपके बेटे से तो कभी नहीं, उसे तो लड़कियों से बातें करना तक नहीं आता। कविता हर बार ना तो कर देती थी, पर मन में न जाने कब से उस घर की दुल्हन बनने का ख्वाब सजा चुकी थी। लेकिन संजीव तो उस वक्त अपनी जिंदगी की कई और चीजों से जद्दोजहद कर रहा था। पिता की आकस्मिक मौत के बाद घर का सारा भार उस पे आ गया था। कॉलेज पास किए एक साल से ज्यादा हो गया था पर नौकरी नहीं मिल पाई थी। मोहल्ले के दो चार बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात रात जग के इंटरव्यूज की तैयारी करता, लेकिन रिजेक्शन के अलावा अभी कुछ और हाथ नहीं लगा था। संजीव मायूस होने लगा था। उसको अपने दोस्तों के साथ उनकी हंसी जैसे और भी चिढ़ाने लगती। कविता से अब वो कम ही मिलता था और जब भी मिलता तब उसको एक हीन भावना घेर लेती। दोनों में बातें कम, अब झगड़े ज्यादा होने लगे थे। एक एक करके सभी की नौकरी लग गई थी। उस शाम अंशुमन ने अपनी पहली नौकरी लगने की खुशी में सभी दोस्तों को शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी दी थी। एक कोने में चुपचाप खड़े होके संजीव दूर से कविता और अंशुमन को हंसते बातें करते फोटो के लिए पोज करते देख रहा था। उसे अब विश्वास हो गया था कि अंशुमन ही कविता के लिए सही है, उसके साथ रहेगी तो जिंदगी भर ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहेगी। उस रात ही संजीव ने तय कर लिया कि वो कविता की जिंदगी से दूर चला जाएगा। उसने जानबूझ के उस रात पार्टी में वेटर से झगड़ा किया, अंशुमन के समझाने पर उसको भी पीटा। अगली सुबह संजीव दिल्ली अपने फूफा जी के पास चला गया और उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। बीच बीच में मां से मिलने जाता था पर कविता और अंशुमन से फिर कभी नहीं मिला। करीब 2 साल बाद संजीव को कॉलेज के एक दोस्त राजू ने बताया कि पिछले महीने बहुत ही धूमधाम से उन दोनों ने शादी कर ली है। आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सारे टेस्ट की रिपोर्ट आते आते संजीव को अंशुमन और कविता के घर पे ठहरे पूरा एक हफ्ता बीत गया था। संजीव कई बार कविता और अंशुमन को खामखां की हो रही तकलीफ को देख के होटल की बात करता, पर दोनों ही उसको डांट के कहते, आंटी जितनी तुम्हारी हैं उतनी हम दोनों की। इस बीच पिंकी को घर पे आई इस नई दादी से काफी लगाव हो गया था। स्कूल से वापस आकर वो सबसे पहले दादी के कमरे में दौड़ के जाती और अपने स्कूल के बच्चों की बातें सुनाती। होमवर्क करने के लिए वो दादी के पास जाके बैठती और दादी से अक्सर कहती, ओफो दादी तुमको कुछ नहीं पता, ऐसे थोड़ी होता है। दादी उसकी सयानी बातों पे हंसती तो वो भी खिलखिला के हंसने लगती। दादी के चेहरे और हाथों की झुर्रियों को वो जोर जोर से 1, 2, 3, 4 कहके गिनती। कविता ने एक दिन गौर किया कि पिंकी कुछ दिनों से कार्टून चैनल नहीं देख रही थी। आंटी के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए थे। डॉक्टरों के मुताबिक रिपोर्ट्स अच्छे नहीं थे और ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, पर उनकी सेहत इतनी कमजोर थी कि डॉक्टरों को चिंता थी कि वो ऑपरेशन सह पाएंगी या नहीं। इधर कविता हॉस्पिटल और घर के बीच तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। हाँ, कभी कभी अंशुमन ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो जाता था, और पिछले कई दिनों से अच्छी लड़की की तरह बिना कुछ कहे पिंकी रोज नाश्ते में ब्रेड बटर खा रही थी। उस दिन ऑफिस में कई महीनों के बाद अंशुमन को कॉलेज के जमाने के दोस्त रवि ने यूं ही फोन किया था। जब बातों बातों में उसको पता चला कि संजीव उसकी माँ के इलाज के लिए अंशुमन के यहाँ ठहरा हुआ है, तो वो अवाक रह गया। उसने आश्चर्य से कहा, तू पागल है या महात्मा बनने की कोशिश कर रहा है? देख अंशुमन, मैं तेरा दोस्त हूं और एक बात जरूर कहूंगा, आजकल इतना भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। फोन पर रवि की यह बात सुनकर अंशुमन का कान गुस्से से गर्म हो गया था। अगर सामने होता तो उसकी गिरेबान पकड़ लेता। अंशुमन ने गुस्से में कहा, मुझे तेरी गंदी सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे कविता पे खुद से ज्यादा विश्वास है, और रही बात संजीव की तो वो तुझसे कहीं अच्छा दोस्त है और अच्छा इंसान भी। अंशुमन ने इतना कह के फोन काट दिया था। उस शाम जब अंशुमन घर पहुंचा तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जब भी सर में ऐसा दर्द होता तो कविता सब कुछ छोड़ के अंशुमन के माथे पे बाम मल देती थी, पर आज कविता अब तक हॉस्पिटल से लौटी नहीं थी। बाम कहीं भी न मिलने पे जब अंशुमन ने कविता को फोन किया तो कविता ने कहा, आंटी की तबीयत काफी खराब है, आज रात वो अस्पताल में आंटी के पास ही रुकेगी, और बाम संजीव के कमरे में होगा शायद, 2 दिन पहले संजीव के सर में भी काफी दर्द था। अंशुमन संजीव के कमरे से बाम लेने गया तो उसको अपने ही घर का कमरा पराया सा लगा। चारों तरफ संजीव का सामान बेतरतीब पड़ा था। पीले रंग की बाम की शीशी सामने बिस्तर से सटी छोटी सी मेज के ऊपर रखी थी। अंशुमन बाम की शीशी हाथ में लिए बाहर जाने लगा, पर न जाने क्यों एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। उसने पलट के कमरे की ओर फिर से देखा और न चाहते हुए भी रवि की बात फिर से दिमाग में आ गई, इतना भरोसा आजकल किसी पे नहीं करना चाहिए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। संजीव की मां को अस्पताल में भर्ती हुए 4 दिन हो गए थे। संजीव ने ऑपरेशन के लिए मोटे पैसों का बंदोबस्त भी कर लिया था, पर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दर्द हमेशा के लिए बिना ऑपरेशन के ही शांत पड़ गया। रात के करीब 1:30 बजे संजीव की मां ने कविता के सामने अपनी आखिरी सांस ली। संजीव और अंशुमन उस वक्त घर पे थे। संजीव अस्पताल पहुंचा तो अपनी मां के शरीर से लिपट के किसी छोटे बच्चे की तरह सिसक सिसक के रोने लगा। कविता रोते हुए उसको ढाढ़स बना रही थी। अंशुमन कुछ देर उन दोनों को रोते हुए देखता रहा, फिर चुपचाप वहां से निकल के बाहर बरामदे में आ गया। याद शहर में अब ज्यादा रिश्तेदार तो थे नहीं, सो संजीव ने अपनी मां का अंतिम संस्कार मुंबई में ही करा दिया। उस दिन शाम को 6 बजे संजीव की वापसी की ट्रेन थी। कमरे से अपने और अपनी मां के सामान को समेटते हुए संजीव ने कविता से कहा, पता है कविता, मुझे अब तक पता नहीं था कि मैं तुम्हारे यहां कैसे रुकने को तैयार हो गया, पर अब समझ में आ रहा है, कुछ चीजें हम करते नहीं, हमसे कराई जाती हैं। मां हमेशा कहा करती थी, मैं ऐसे थोड़े मरूंगी, मरने से पहले अपनी बहू से खूब सेवा लूंगी, और मां के ख्यालों में हमेशा से बहू की छवि में
तुम ही आती थी। कहते कहते संजीव का गला रुंध गया। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। संजीव ने कहा, अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रही। एक बात और, अंशुमन जितना अच्छा दोस्त है उससे भी कहीं गुना अच्छा इंसान। तुम सही में बहुत लकी हो जो तुमको अंशुमन जैसा पति मिला। उसका ध्यान रखना और अपना भी। संजीव चला गया। अगले दिन शाम को जब अंशुमन ऑफिस से घर लौटा तो कविता किसी से फोन पे बात कर रही थी। अंशुमन को देखते ही उसने फोन काट दिया। अंशुमन बिना कुछ कहे सोफे पे कविता की ओर पीठ करके बैठ गया। कविता हिचकी जाती आवाज में बोली, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, शायद मुझको पहले बता देनी चाहिए थी। पर इससे पहले कि कविता आगे कुछ और कह पाती, अंशुमन गुस्से में बरस पड़ा। पर क्या कविता, आज वो बात बता के तुम अपना गिल्ट कम करना चाहती हो या फिर और फायदा उठाना चाहती हो मेरी अच्छाइयों का? तुम्हें क्या लगता है मुझको खबर नहीं है कुछ क्या चल रहा है? मैंने तुम पे और इस रिश्ते पे अपने आप से ज्यादा भरोसा किया था कविता, अब शिकायत करूं तो किससे? गलती तो मेरी है। कविता को एक पल तो कुछ समझ नहीं आया, पर जब समझी तो बात काफी आगे निकल चुकी थी। कविता की नजरों में हमेशा इंसानियत का मसीहा बनने वाला आज खुद को कितना छोटा साबित करने पे तुला था। कविता अपनी सफाई में कुछ नहीं बोली, न अपने बारे में न उस रिश्ते के बारे में जो अंशुमन सुनना चाह रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद करके रोने लगी। इधर कुछ देर से वही फोन बार बार बज रहा था। अंशुमन ने गुस्से से फोन उठाया तो फोन के उस ओर अंशुमन की बड़ी दीदी की आवाज सुनाई दी। दीदी खुशी से बोली, कंग्रेचुलेशंस अंशुमन, कंग्रेचुलेशंस। और कविता ने अभी अभी बताया ना तुझको? मुझको तो एक महीने पहले बता दिया था। मैंने बोला था तुझको बताने को, लेकिन वो पगली कहती थी घर का माहौल ठीक हो जाए तब वो गुड न्यूज तेरे साथ अकेले में बांटेगी। शर्त लगा ले, मेरा दिल कहता है इस बार पिंकी के साथ खेलने वाला पिंकी का भाई होगा। दीदी की बात सुनते ही अंशुमन को लगा जैसे उसके ऊपर जोर की बिजली गिरी हो। अंशुमन अपनी गलती पे जोर से चिल्ला के रोना चाह रहा था, पर सिसकियों के अलावा और कोई आवाज नहीं निकली। वो किसी बच्चे की तरह से सकने लगा। सोफे पे पड़े फोन से अब भी दीदी की आवाज आ रही थी। हेलो अंशुमन, सुन रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? उफ, इस फोन को भी अभी खराब होना था। अंशुमन उठा, धीमे कदमों से कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद आंसुओं से चेहरे को धोए कविता ने दरवाजा खोला। उसके होठों पर खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। अंशुमन कुछ देर कविता को देखता रहा, फिर अपनी बाहों में भर लिया। बोला, कंग्रेचुलेशंस, हम फिर से मामा पापा बनने वाले हैं। एंड आई एम सॉरी कविता, मैं भूल गया था, आई एम द लकीस्ट पर्सन। बस इतनी सी थी ये कहानी।